पिता कहानी ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को यह कहानी दर्शाती है। पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए बदलाव का चित्रण करती है। पिता अपने पुत्र के पीढ़ी से तन्मयता बैठ नहीं पा रहा है, वही पुत्र अपने पिता के पीढ़ियों को नहीं समझ अपना पा रहा है। यह कहानी काफ़ी बड़ी होने के कारण मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहा हूँ। कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं, जैसे पिता और पुत्र। पिता मुख्य पात्र जो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, स्वाभिमान और आत्मनिर्भर पात्र है। पुत्र यह भी एक महत्वपूर्ण पात्र है जो कि आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इस कहानी के माध्यम से पुरानी और आधुनिक पीढ़ी में अंतर और उनके बीच का विरुद्ध मानसिकता बताई गई है। पुराने सोच वाले पिता को आजकल के परिवेश में ढल पाना मुश्किल हो रहा है। कहानी में पिता अपनी पुरानी परंपरा अपने बच्चों पर थोप भी नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक युग को जीने की बातें कर रहे हैं, पर खुद को उस वातावरण से दूर ही रख रहे हैं। जैसे कहानी में एक पंक्ति में पिता यह कहते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए, जूठे वैनिटी के लिए बेयारा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ डेढ़ रुपए वाले बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। पिताजी को यह सब पसंद नहीं था, झूठा दिखावा, शो ऑफ वगैरह उन्हें पसंद नहीं था। इस कहानी में किसी भी पीढ़ी को निशाना नहीं बनाया गया है। पिता अपने बच्चों को आधुनिक बनने से नहीं रोकते, किंतु उसमें शामिल नहीं होते, और पुत्र पिता को आधुनिक बनाना चाहता है। यह कहानी पिता और पुत्र के बीच दूर होने के बावजूद उनके बीच एक समाज और विरुद्ध मानसिकता की बात करती है। पिता और पुत्र के बीच में एक प्रेमयुक्त और भावनात्मक दूरी है। इसके पश्चात दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोनों एक साथ रहने के बावजूद साथ नहीं हो पाते। यह उस दौर और समकालीन दौर की एक समस्या है। पुत्र पिता को सारी सुविधा देना चाहता है और प्रयास भी करता रहता है, किंतु उन्हें वो सब पसंद नहीं आती। जैसे कहानी की पंक्तियों में बताया गया है, पिताजी आराम से पंखे के नीचे सोए, मुसल खाने में खूबसूरत शावल में स्नान करें, लड़के द्वारा लाई गई खास सामग्री का स्वाद लें, दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती पहने, किंतु पिताजी को यह बातें कतई पसंद नहीं थी। पुत्र पिता से बड़े प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार बहे लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदार की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। पिता अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन में कोई दखल ना पड़े, इस विचार से बाहर सोना पसंद करते थे, क्योंकि उनके पुत्र की हाल ही में शादी हुई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे अंदर सोने से उन्हें कोई दिक्कत, कुछ समस्या ना हो। पिता के लाख मना करने पर पुत्र पिता से हमेशा आग्रह करता रहता है। इस कहानी में ज्ञान रंजन जी ने पिता पुत्र के संबंध की वास्तविकता पहलुओं को उजागर किया है। दोनों के बीच प्रेम है, चिंता है, पर कभी जाहिर नहीं करते हैं, जो कि हर परिवार में होता है। कहानी में कहीं भी दोनों के संबंध में कोई खटास नहीं दिखाई दी, किसी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद नहीं था। ज्ञान रंजन जी कहते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग अपनी बाकी जिंदगी समय बिताने के कार्य में लगा देते हैं, यह सोचकर कि हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, जिसके कारण खुद कष्ट सहते हैं। यह हवाला देकर कि हमारे समय में नहीं था, तब भी तो जिंदगी काट ली थी, अब उसके पीछे क्यों भागे। ज्ञान रंजन जी ने दोनों पीढ़ियों के बीच में कहानी में भावात्मक रूप दिखाया है। इन्होंने ये बताया है कि एक पुत्र अपने पिता से कितना प्रेम करता है और एक पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है। तो वीडियो समाप्त होती है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।